तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं शंकर महादेवन जी के कॉन्सर्ट में, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग भी साथ में चलो। तो चलो 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 चलो, गाड़ी स्टार्ट कर। अभी रास्ते में हूँ, मैं जा ही रहा था, मैं सोचता था कि शंकर महादेवन का ऐसा कौन सा गाना है जो आपने एकदम सुना होगा। मैंने तो सुना था ब्रेथलेस। तो तुम कितने बड़े थे जब तुमको पता चला कि वो एक ब्रेथ में नहीं गाया गया था? नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। हाँ तो गाइस मैं बोल रहा था जब भी बाहर ट्रैवल करो हेलमेट जरूर पहना करो। अच्छा हमारे बच्चा हेलो, मैं बाद वाला सौम्य हूँ, मैं जाके आ चुका हूँ, अभी आपको बता रहा हूँ क्या हुआ था। वहाँ पे ना ऐसे बैठने की व्यवस्था थी, इंदौर, उसके बाद धीरे से उनका चालू हुआ परफॉर्मेंस, तो जैसे ही 2-3 मिनट हुए तो हमारे आगे के लोग जो बैठे थे वो खड़े होने लग गए। गाइस मैं इधर देख रहा हूँ लोग चेयर पे खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल उधर देख रहा हूँ बच्चे खड़े हो गए। फिर हमारे आगे वाले जो बंदे थे ना वो भी चेयर पे खड़े हो गए, तो दीवार बन गई गाइस। बहुत अच्छा व्यू आ रहा था गाइस, तो इस व्यू को देखने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमको फिर आगे जाना पड़ा। हम थोड़े आगे गए, बहुत मजा आया, उन्होंने बहुत सारे गाने गाए। ब्रेथलेस गाने की बारी आई, उन्होंने ब्रेथलेस बोला कि आप ब्रेथलेस सुनना चाहेंगे, तो मैंने कहा कि हाँ मैं सुनना चाहूंगा, बहुत अच्छा गाना है, मैं सुनना चाहूंगा ब्रेथलेस, ताकि मैं जाके आराम से खाना वाना खा के, है ना, इसकी वजह से जल्दी चाहिए ना ब्रेथलेस अभी। कोई जो मिला तो मुझे इस बीट पे अगर ब्रेथलेस चल रहा है तो वहां पे उन्होंने डबल कर दिया गाइस। मिला तो मुझे ऐसा लगता बिल्कुल एमिनम बन गए गाइस। बहुत अच्छा चला कॉन्सर्ट, और फिर हम बाहर आ गए और कॉन्सर्ट खत्म। पर कहानी खत्म नहीं हुई ना गाइस, यहाँ पे कॉन्सर्ट खत्म हो गया, कहानी खत्म नहीं हुई मेरी। तो अब मैं बताता हूँ हुआ क्या उसके बाद। मैं गया हंसते खेलते अपनी गाड़ी की तरफ, कि अरे वाह क्या कॉन्सर्ट का मजा आ गया, घर जाके सोएंगे। और जैसे जेब में हाथ डाला तो चाबी तो थी नहीं, तो मैंने कहा क्या, मैंने सारी जेबें चेक करी, चाबी थी नहीं मेरे पास। गाड़ी में देखा तो गाड़ी में लगी भी नहीं हुई थी चाबी। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं। अब मैंने पार्किंग के 20 रुपये भी दिए थे, मैंने उन भैया से पूछा कि भैया भैया चाबी देखी क्या इसमें यार, बोले नहीं यार चाबी तो नहीं। अब भैया चाबी नहीं मिल रही यार, तो बोले कि अरे कोई भी एक्टिवा की लगा लो ना लग जाती। तो अब मैं वहाँ बैठ के वो एक्टिवा देख रहा हूँ किस किस की एक्टिवा है, उनसे बोल रहा हूँ भैया चाबी दे दीजिए मेरी। अब मैंने भाई 3-4 ट्राई करी, चाबी नहीं लग रही, घुस ही नहीं रही है। उससे पहले अब मैं सोच रहा हूँ कि अब या तो मैं वापस जाऊँ अपने पाथ को रिट्रेस करूँ कि हाँ यहाँ से आया था, वहाँ देखूँ कहीं गिरी तो नहीं हुई है, या मैं उधर जो भी गार्ड वगैरह को बोलूँ कि भैया भैया क्या आपको कहीं चाबी दिखी है। तो अब वो ढूंढने भी गया हुआ इस पर कोई ऐसी मिल रही है क्या वहाँ पे। तो अब मैं बाहर आया, अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं। मैं घर से 10 किलोमीटर दूर था और घर पे डुप्लीकेट चाबी थी, तो अब मैं ये तो कर सकता था कि मेरा जो दोस्त है वो जो घर के पास रहता है रितज नाम है उसका, इससे बुलवा लेता हूँ चाबी। तो ये तो बैक ऑफ द माइंड में मेरे था ही। और इतने में जो मेरे साथ में थी वो बोल रही तू मजाक तो नहीं कर रही। और मैं कुछ भी ऐसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है ना तो मैं हाइपर नहीं होता हूँ जनरली, ऐसे दिखाता नहीं हूँ, काम रहने की कोशिश करता हूँ। फिर मैंने अपने उसी दोस्त को फोन किया कि यार भाई क्या कर रहा है, तो वो बोलता सो रहा हूँ। मैंने क्या बोला तूने, 11:30 बज रही, तो यूं 4 बजे तक नहीं सोएगा, 11 बजे सो गया वो, उसको जिम जाना होगा पता है। तो अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि अच्छा चल ठीक है भाई कोई बात नहीं सो जा, मैं कुछ और देखता हूँ। पर और कुछ था नहीं, तो फिर मैंने वापस फोन लगाया कि भाई आना ही पड़ेगा यार प्लीज थोड़ा। तो फिर हम वेट कर रहे हैं वहाँ पे, इतने एक बंदा बस ऐसे बार बार हमको देख के जा रहा है। खाली हो गया गाइस, पार्किंग खाली हो गई, सब घर चले गए हैं, सब घर पे जाके सो गए, हम रुके हुए हैं वहाँ पे। एक बंदा बार बार देख के जा रहा है हमें, मैं भी देख रहा हूँ उसको कि ये हमें क्यों देख रहा है।
और फिर वो मेरे दोस्त का फोन आता है कि भाई किस तरफ आना, मैंने कहा इधर सामने की तरफ आ जा, इधर ही खड़े। और उतने में वो बंदा भी आके रुक गया। वो बंदा हमसे पूछता है, क्यों भैया चाबी ढूंढ रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ भैया चाबी ढूंढ रहे हैं, आपको कैसे? वो बोलता है, अरे चाबी इसी में लगी हुई थी तो मैंने निकाल ली थी, वो मैं पार्किंग वालों के साथ। मतलब ये क्या बात हुई? क्योंकि पार्किंग वालों से तो पूछा था ना मैंने, दो बंदे थे पार्किंग वाले, तो अपेरेंटली इस बंदे ने उनको बताया नहीं कि कोई चाबी हाथ आई है, तो मुझे कहीं से पता ही नहीं चलता कि चाबी मेरी उनके पास है, अनलेस वो खुद प्रकट होके नहीं बताते जो उनने बताया। तो अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि भाई इनको क्या गाड़ी का नंबर तो देखना चाहिए, किसकी निकाल रहे हैं अगर कोई कुछ भी। अब मैं क्या बोलता हूँ उनको, मैंने बोला थैंक यू, इतने में रितेश भी आ गया, तो दोनों चाबी आ गई मेरे हाथ में। अब मैं रितेश को बोल रहा हूँ, अरे भाई थैंक यू यार, थैंक यू आ गया, थैंक यू सो। और मैं इनको बोल रहा हूँ कि क्या बोलता हूँ, थैंक यू बोला मैंने। और वो वहाँ पे मेरे को ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसे थोड़ी छोड़ते हैं चाबी, गाड़ी में चाबी थोड़ी लगी रहे, ऐसे मत किया करो। मैंने कहा जानबूझ के कौन ही करता है। मैंने कहा हाँ ध्यान रखेंगे बिल्कुल। यहाँ रितेश को पता चला कि चाबी मिल गई, वो यूं कि भाई मैं तो सो रहा था। मैंने कहा भाई अरे कोई बात नहीं, चल यार कुछ खाते हैं, कोई नहीं चलो, जग तो गया ही है तू चल। फिर 12:30-1 बजे बैठ के हम वहाँ पे नूडल्स खा रहे थे। तो गाइस मैं तुमको बता रहा था ना, रितेश चाबी लेके वो ये था भाई, रात के 12:45 बज रहे हैं और यहाँ हम बैठ के नूडल्स खा रहे हैं गाइस। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और बताओ यार व्लॉग्स देखना चाहते हो तो। थैंक्स।